हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पावर ट्रेडिंग स्टॉक के एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक और स्टॉक को जिसमें कि थोड़ा सा आपको रिवर्सल साइन दिख रहा है, बियरिशनेस का साइन शो हो रहा है। और इस स्टॉक ने भी काफ़ी अच्छा आपको परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन अब जो है रिटेलर ऊपर की लेवल पर ले रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये स्टॉक मैं बना आपको ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे वो लोग जो है अभी इस लेवल पर ना लें। आपको नीचे का लेवल पे मिलेगा ये स्टॉक, तो नीचे के लेवल पे अगर आप लोग लेंगे तो आप लोगों का रिस्क भी कम हो जाएगा और रिवार्ड भी अच्छा मिलेगा। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और फिर जो है आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टॉक का नाम बता दूँ, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन FSL के नाम से ये लिस्टेड है। स्टॉक ने काफ़ी अच्छा जो है एक आपको 50 के लेवल से ऑलमोस्ट जो है ये आपको 230-240 का जो है इसका हाई था, और उसके बाद जो है आपको क्लियर फर्स्ट रिजेक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। सेकंड कैंडल में आप देखेंगे तो क्लियर आपको ऑलमोस्ट 90% जो है रिजेक्ट हो गया है, और थर्ड कैंडल जो है आपको एक बियरिश कैंडल जो है बना है। और ये मंथली चार्ट है और इस मंथ में अब दो ही ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, इसलिए मैं मंथली चार्ट को भी कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये क्लियर कट जो है एक आपको रिवर्सल साइन शो हो रहा है। और अगर आप इस लेग को देखेंगे तो 50 से 230-240 तक ये स्टॉक आपको गया है, इसमें कहीं पे भी रिट्रेसमेंट नहीं आया है। तो इस लेग का रिट्रेसमेंट आपको बाकी है, तो इसलिए जो है जो लोग भी इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेना चाह रहे हैं वो लोग अभी नहीं लेंगे, वो लोग जो है वेट करेंगे, इसमें रिट्रेसमेंट एक अच्छा आएगा। क्योंकि अगर आप इसमें नेक्स्ट सपोर्ट देखेंगे तो समवेयर अराउंड इस लेवल पे है, और एग्जैक्ट में लेवल बताऊँ तो ये ऑलमोस्ट आपको 120 के लेवल पे है, तो काफ़ी आपको इसमें एक डाउनफॉल आ सकता है इस स्टॉक में। और ऊपर के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो क्लियर आपको एक रिजेक्शन 200 के लेवल पे दिख रहा है। 200 के लेवल के ऊपर जो स्टॉक क्लोज नहीं दे पा रहा है, और मंथली कैंडल में जो है ये आपको क्लियर कट एक प्रीवियस मंथ का लो ब्रेक हो चुका है, और जो है आपको एक अच्छा बियरिश कैंडल यहाँ पर दिख रहा है, रिजेक्शन वाला कैंडल। तो इसलिए जो है हम लोग इस कैंडल को वेट करेंगे इस स्टॉक में। यहाँ पे जो है आपको एक अच्छा करेक्शन दिख सकता है, आपको नीचे के लेवल पे स्टॉक मिल सकता है। तो आप लोग जो भी इन्वेस्टमेंट के पर्पस से आप लोग लेना चाहते हैं वो लोग वेट करें। अगर आप सेम इसको वीकली चार्ट में भी देखेंगे तो वीकली चार्ट में भी आप देखिए जो क्लियर आपको एक जो है बियरिशनेस शो हो रहा है, और इस वीक का भी अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस वीक से के नीचे ही क्लोज दिया है, और एक अच्छा आपको बियरिशनेस जो है मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी वीकली चार्ट में भी दिख रहा है। और अगर आप डेली चार्ट में भी चलेंगे तो डेली चार्ट में भी यहाँ पे आपको एक जो है बियरिशनेस यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन डेली चार्ट में ये आपको जो है यहाँ पे है एक सपोर्ट है, तो ये जो है आपको एक डायनेमिक सपोर्ट है। तो अगर आपको ये स्टॉक को अगर बुलिश होना है तो फिर जो आप ये जो बाइंग स्ट्रेंथ देख रहे थे इसके ऊपर जो है इस स्टॉक को निकल के क्लोज देना होगा। अगर इस लेवल के ऊपर स्टॉक क्लोज दे देता है तो फिर आप लोग यहाँ पे पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हो, लेकिन इस पोजीशन का स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे रखना 170 के पास ही इसका स्टॉप लॉस रखना, इससे ज़्यादा डीप नहीं रखना, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम पर निगेटिव है। अगर इस लेवल को नीचे की साइड तोड़ेगा तो फिर यहाँ से आपको 40-50 पॉइंट का ईजी गिरावट देखने को मिलेगा। तो इसलिए अगर आपको इस लेवल पे मौका मिलता है, अगर इस लेवल को ब्रेक करके ये स्टॉक क्लोज होता है 210 के पास अगर क्लोज होता है डेली कैंडल में, तो वहाँ पे ही आप लोग बाइंग पोजीशन बनाओगे। आपका स्टॉप लॉस 170 का होगा, टारगेट आपका उसी के अकॉर्डिंग जो है 100-150 पॉइंट का हो सकता है, लेकिन स्टॉक में जो है एक अच्छा करेक्शन मुझे अभी दिख रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर 210 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर जो है ये स्टॉक ऊपर निकल जाएगा, फिर जो है अभी आपको ये करेक्शन नहीं भी आ सकता है, लेकिन अगर 210 तक जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक जो है इस स्टॉक में या तो एक अच्छा पुल बैक होगा या फिर आपको वहां पे ये हॉल्ट करेगा। तो चलिए अब हम लोग प्राइस को देखते हैं, जो प्राइस किस तरह से आपको बिहेव करता है। अगर करेक्शन देता है तो उसके लिए भी हम लोग रेडी है, अगर अपसाइड के लिए मोमेंटम स्टार्ट करेगा तो फिर 210 के ऊपर हम लोग जो है पोजीशन बनाएंगे। तो जैसा जो होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में भी। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को एनालिसिस अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, लॉजिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।